तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मिशन इम्पॉसिबल सेवन के बारे में हम सभी को पता है एक ब्लॉकबस्टर ये मूवी रही है और इसकी रेटिंग भी दस रही है रेटिंग पहले हम जान लेते हैं आईएमबी इसकी रेटिंग है सेवन पॉइंट सेवन की जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है साथ ही साथ रेड टमेटोस पर नाइन्टी यूजर्स ने इसे पसंद किया है ओ प्लेटफॉर्म के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ दोस्तों इसका एक लौधा एक तरह से प्लेटफॉर्म हमें देखने को मिलने वाला है प्राइम वीडियो जी हाँ दोस्तों प्राइम वीडियो पर इसे सीधी रिलीज़ की जाएगी और साथ ही साथ ये हमें ग्यारह या बारह जनवरी को देखने को मिलने वाली है बाकी आप इसे यूट्यूब या प्ले मूवीज़ पर भी जाकर रेंट पर लेकर देख सकते हो यदि सब्सक्रिप्शन है आपके पास प्राइम वीडियो का तो आप सिंपली वहाँ से इसे देख पाओगे दोस्तों इसी के बारे में आपको सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आगे मैं देने वाला हो तो वीडियो को लाइक कर दे और इसके बारे में जानना चालू करते हैं मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट वन एक दो हज़ार तेईस अमेरिकी जासूसी एक्शन फिल्म है जो क्रिस्टोफर मैकवेरी द्वारा निर्देशित है जिसकी पटकथा उन्होंने एरिक जेंडरसन के साथ मिलकर लिखी है छह यह मिशन इम्पॉसिबल फॉल आउट दो हज़ार अठारह की अगली कड़ी और मिशन इम्पॉसिबल फिल्म श्रृंखला की सातवीं किस्त है इसमें टॉम क्रूज ने एथन हंट की भूमिका साथ ही हेले एटवेल विंगरेम्स साइमन पेग रेबेका फर्ग्यूसन वेनेसा किर्बी, एसआई मोरालिस पोम क्लेमेंटिएफ मारियेला गैरिगा और हेनरी जेरनी सहित कई कलाकार हैं फिल्म में हंट और उसकी आईएमएफ टीम का सामना एक शक्तिशाली दुष्ट एआईडी एंटिटी से होता है जनवरी 2019 में क्रूज ने घोषणा की कि अगले दो मिशन इम्पॉसिबल फ़िल्मों की शूटिंग बैक टू बैक की जाएगी जिसमें मैकवेरी लेखन और निर्देशन दोनों करेंगे इसके तुरंत बाद वापसी और नए कलाकारों की घोषणा की गई और लोरने बाल्फ जिन्होंने फॉलआउट के लिए स्कोर तैयार किया था स्कोर करने के लिए लौट आए फरवरी 2020 में इटली में फ़िल्मांकन शुरू हुआ लेकिन कोविड 19 महामारी के कारण रुक गया यह उस वर्ष के अंत में फिर से शुरू हुआ और सितंबर 2021 में नॉर्वे यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त अरब अमीरात सहित अन्य फिल्मांकन स्थानों के साथ समाप्त हुआ मिशन इम्पॉसिबल 2 2000 के बाद यह श्रृंखला की पहली फिल्म है जिसमें जे जे अबराम शामिल नहीं हैं और यह श्रृंखला की पहली फिल्म है जिसका निर्माण मिशन इम्पॉसिबल 2006 के बाद अब्राम्स के बैड रोबोट प्रोडक्शंस द्वारा नहीं किया गया है दो मिलियन डॉलर के अनुमानित बजट के साथ यह अब तक बनी सबसे महंगी फिल्मों में से एक है मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट वन का प्रीमियर 19 जून 2023 को रोम में स्पेनिश स्टेप्स पर हुआ और पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा 12 जुलाई 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और इसने दुनिया भर में पांच डॉलर 5 मिलियन से अधिक की कमाई की जो 2023 की दसवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई अपने समग्र बजट और बारबेनहायमर सांस्कृतिक घटना से प्रतिस्पर्धा के कारण इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया एक बिना शीर्षक वाला सीक्वल 23 मई 2025 को रिलीज होने के लिए तैयार है कथानक अगली पीढ़ी की रूसी स्टील्थ पंडुब्बी से वस्तोपोल एक उन्नत एआई का उपयोग करती है जो दो टुकड़े वाली क्रूसिफॉर्म कुंजी द्वारा सक्रिय होती है एआई चालक दल को एक प्रेत लक्ष्य पर हमला करने के लिए धोखा देता है लेकिन उनके ही टारपीडो से हमला हो जाता है जिससे उसमें सवार सभी लोग मारे जाते हैं आईएमएफ एजेंट एथन हंट अरब रेगिस्तान के खाली क्वार्टर की यात्रा करता है और अस्वीकृत एमआई एजेंट इल्सा फॉस्ट से एक महत्वपूर्ण टुकड़ा सफलतापूर्वक प्राप्त करता है यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह किसी अज्ञात स्रोत द्वारा दिए गए इनाम से बच जाए उसने उसकी मौत की झूठी कहानी भी रची वाशिंगटन डीसी में वापस वह एआई, जिसे इकाई के रूप में जाना जाता है पर चर्चा करते हुए राष्ट्रीय खुफिया निदेशक डेनलिंगर के लिए एक अमेरिकी खुफिया समुदाय ब्रीफिंग में घुसपैठ करता है सीआईए के निदेशक यूजीन किटरिच का कहना है कि इकाई ने चेतना हासिल कर ली है और वह साइबर स्पेस में हेरफेर कर सकती है जिससे वह वैश्विक रक्षा खुफिया और वित्तीय नेटवर्क को नियंत्रित कर सकती है शक्तियां इकाई को नियंत्रित करने के लिए क्रूसिफॉर्म कुंजी प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं हालांकि इसे नियंत्रित करने के सटीक साधन अज्ञात हैं खुद को प्रकट करते हुए एथन किटरिज के साथ बातचीत करता है और निष्कर्ष निकालता है कि उसने इल्सा का इनाम रखा है और इकाई को नष्ट करने का अपना इरादा बताता है यह जानते हुए कि उन्हें दुष्ट अभिनेता माना जाएगा और एक वैश्विक दौड़ में भाग ले रहे हैं एथन और उनके आईएमएफ टीम के साथ ही बेंजी डन और लूथर स्टिकेल अमेरिकी एजेंटों से बचते हुए दूसरे चाबी के धारक को पकड़ने के लिए अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की यात्रा करते हैं पीछा करने के दौरान चाबी का टुकड़ा ग्रेस नाम के एक पेशेवर चोर द्वारा चुरा लिया जाता है संवर्ती रूप से लूथर और बेंजी एक फर्जी परमाणु उपकरण को निष्क्रिय कर देते हैं एथन को अपने पूर्व आईएमएफ अतीत से जुड़े एक परपीडक इकाई गैब्रियल को देखने के बाद बेईमानी का संदेह है मिशन को रद्द करते हुए तीन बिखर जाती है और ग्रेस रोम भाग जाती है आगमन पर उसे पकड़ लिया जाता है लेकिन एथन उसे स्थानीय अधिकारियों अमेरिकी एजेंटों और पेरिस नामक एक इकाई संचालक से बचा लेता है ग्रेस फिर से भाग जाती है जबकि एथन लूथर बेंजी से मिलता है और इल्सा उनके साथ फिर से जुड़ जाती है बेंजी और लूथर द्वारा सहायत अप्रदान करने के साथ एथन और इल्सा ग्रेस का अनुसरण करते हुए वेनिस तक जाते हैं जहां वे हथियार डीलर अलाना मित्सो पुलिस द्वारा आयोजित एक पार्टी में घुसपैठ करते हैं इकाई द्वारा स्थापित दलाली के भेष में पार्टी के साथ सभी समूह पूरी कुंजी प्राप्त करने में अपनी भूमिका का खुलासा करते हैं पूरी चाबी तैयार करने के लिए दूसरी चाबी का टुकड़ा चुराने के लिए अलाना ने ग्रेस को काम पर रखा था जिसे अगले दिन ओरिएंट एक्सप्रेस पर उसके खरीदार को बेच दिया जाएगा एनटीटी के माध्यम से गेब्रियल ने घोषणा की कि अगले दिन उसके पास पूरी चाबी होगी और इल्सा या ग्रेस में से कोई एक मर जाएगा एथन ने अलाना को बिक्री से रोकने का असफल प्रयास किया जिससे गेब्रियल और ग्रेस बच गए एथन ग्रेस का पीछा करता है लेकिन एंटिटी उनके संचार को हैक कर लेती है और बेंजी का रूप धारण कर लेती है जिससे वह पेरिस के साथ लड़ाई में शामिल हो जाता है जिसे वह छोड़ देता है संवर्ती रूप से गेब्रियल ग्रेस को अक्षम कर देता है और इल्सा को मार देता है ग्रेस और एथन को तबाह कर देता है जो प्रतिशोध की कसम खाता है इस प्रकार ग्रेस अलान्ना का रूप धारण करने और बिक्री के दौरान चाबी लेने के लिए सहमत हो जाती है इकाई के हस्तक्षेप को रोकने के लिए लूथर एक ऑफ ग्रिड स्थान के लिए निकल जाता है और एथन को इकाई के बारे में जा नकारी निर्धारित करने के लिए गेब्रियल को छोड़ने की सलाह देता है ट्रेन में गैब्रियल इंजन चालक दल को मार देता है और थ्रॉटल और ब्रेक को नष्ट कर देता है पेरिस में गैब्रियल की मुलाक़ात देनलिंगर से होती है जो अपने और इकाई के बीच गठबंधन बनाने के प्रयास में केवल वही जानकारी प्रकट करता है जिसे वह जानता है मूल रूप से अमेरिका द्वारा विकसित एक उन्नत साइबर हथियार सेवस्तोपोल के खिलाफ तैनाती के बाद इकाई दुष्ट हो गई पूर्ण कुंजी जहाज के अंदर इकाई के स्रोत कोर वाले एक कक्ष को खोल देती है जिससे इसे नष्ट या नियंत्रित किया जा सकता है गेब्रियल ने बाद में डेनलिंगर को मार डाला और पेरिस को मारने की कोशिश की क्योंकि एंटिटी ने निर्धारित किया था कि एथन द्वारा उसकी जान बचाने के बाद वह उन्हें धोखा देगी अलाना का रूप धारण करके ग्रेस किटरिज के पास चाबी लाती है जो खरीदार होने का खुलासा करती है और खुद की सुरक्षा के साथ साथ 100 मिलियन डॉलर की बिक्री के लिए बातचीत करती है लेकिन स्थानांतरण रद्द करने के बाद किटरिच से चाबी निकाल लेती है ग्रेस को बचाने के लिए एथन पैराशूट से ट्रेन में चढ़ता है लेकिन गेब्रियल को चाबी मिल जाती है एथन और गेब्रियल ट्रेन के ऊपर लड़ते हैं लेकिन गेब्रियल भाग जाता है और आगे एक पुल पर विस्फोट कर देता है ग्रेस और एथन ने यात्रियों को बचाते हुए लोकोमोटिव को बाकी ट्रेन से अलग कर दिया पेरिस दोनों को गिरने से बचाता है और होश खोने से पहले एथन को चाबी का सेवस्तोपोल से कनेक्शन बताने में कामयाब होता है ग्रेस ने किटरिज को आईएमएफ में शामिल होने की अपनी इच्छा के बारे में सूचित किया एथन पूरी चाबी के साथ पैराग्लाइडर द्वारा मलबे से भाग जाता है जो उसने लड़ाई के दौरान गेब्रियल से ली थी और मिशन को जारी रखने के लिए बेंजी से मिला जो सेवस्तोपोल को ढूंढ रहा है और इकाई को नष्ट कर रहा है कास्ट करें एथन हंट के रूप में टॉम क्रूज एक आईएमएफ एजेंट और एक ऑपरेटिव टीम का नेता हेले एटवेल ग्रेस के रूप में एक चोर और एथन का नया सहयोगी क्रिस्टोफर मैकक्वेरी ने एटवेल के चरित्र को प्रकृति की विनाशकारी शक्ति के रूप में वर्णित किया जबकि एटवेल ने बताया कि उनके चरित्र की वफादारी कुछ हद तक अस्पष्ट है सात आठ लूथर स्टिकेल के रूप में विंग रैम्स एक आईएमएफ कंप्यूटर तकनीशियन एथन का सबसे अच्छा दोस्त और उसकी टीम का सदस्य बेंजी डन के रूप में साइमन पेग एक आईएमएफ तकनीकी क्षेत्र एजेंट एथन का दोस्त और उसकी टीम का सदस्य पेग ने एंटिटी को भी आवाज़ दी जो एक सर्वशक्तिशाली एआई प्रणाली है जिसने रूसी पंडुब्बी से वस्तुपोल में घुसपैठ करते समय होश हासिल किया इससे पहले कि वह दुष्ट हो जाए और अपनी इच्छानुसार दुनिया के प्रमुख रक्षा खुफिया और वित्तीय नेटवर्क में हेरफेर करें विश्व शक्तियों को कुंजी प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रेरित किया इसे नियंत्रित करने के लिए जबकि इकाई एक मानव गेब्रियल को संपर्क के रूप में भर्ती करती है इकाई डन की आवाज की नकल करके बोलती है इल्सा फॉस्ट के रूप में रेबेका फर्ग्यूसन एक अस्वीकृत एमआई छे एजेंट जिसने दुष्ट राष्ट्र 2015 और फॉलआउट 2018 के दौरान एथन की टीम के साथ गठबंधन किया था अलाना मित्सोपोलिस के रूप में वैनेसा किर्बी एक काला बाजार हथियार डीलर और दलाल जो व्हाइट विडो उपनाम से जाना जाता है अलाना एक मृत हथियार डीलर मैक्स की बेटी है जिसे मूल रूप से पहली फिल्म में वेनेसा रेडग्रेव ने चित्रित किया था गेब्रियल के रूप में एसआई मोरालेस एक शक्तिशाली आतंकवादी और एथन का विरोधी जो दुनिया पर शासन करने के लिए एक सर्वशक्तिशाली एआई प्रणाली एंटिटी के साथ काम करता हुआ प्रतीत होता है एथन के आईएमएफ एजेंट बनने से पहले उसकी और एथन की एक दूसरे से भयानक मुठभेड़ हुई थी no. पेरिस के रूप में पोम क्लेमेंटिफ एक फ्रांसीसी हत्यारा जो गेब्रियल के लिए काम करता है पेरिस मूल मिशन इम्पॉसिबल टेलीविजन श्रृंखला में लियोनार्ड निमोर द्वारा चित्रित इसी नाम के चरित्र पर आधारित है दस मैरी के रूप में मारियेला गारिगा एथन और गेब्रियल के अतीत की एक महिला जिसे केवल संक्षिप्त फ्लैशबैक में देखा गया था ग्यारह आईएमएफ के पूर्व निदेशक और सीआईए के वर्तमान निदेशक यूजीन किटरिज के रूप में हेनरी कजरनी को आखिरी बार मिशन इम्पॉसिबल उन्नीस में देखा गया था जैस्पर ब्रिग्स के रूप में शिया भेघम एक अमेरिकी खुफिया एजेंट जिसे एथन और उसकी टीम का शिकार करने के लिए नियुक्त किया गया था बारह राष्ट्रीय खुफिया निदेशक डेनलिंगर के रूप में कैरी एलवेस तेरह डेगास के रूप में ग्रेग टार्जन डेविस एक अमेरिकी खुफिया एजेंट और ब्रिग्स के साथी को एथन और उसकी टीम का पता लगाने का काम सौंपा गया है जोला मित्सोपोलिस अलाना के भाई के रूप में फ्रेडरिक श्मिट, चौदह इसके अतिरिक्त चार्ल्स पार्नेल रॉब डेलाने इंदिरा वर्मा और मार्क गैटिस क्रमशः एनआरओ जेएसओसी डीआईए और एनएसए का प्रतिनिधित्व करते हुए अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के प्रमुख के रूप में दिखाई देते हैं 15 नौ मार्सिन डोरोसिंस की सेवस्तोपोल पंडुब्बी के कप्तान के रूप में दिखाई देते हैं 16 उत्पादन घोषणा और कास्टिंग 14 जनवरी 2019 को टॉम क्रूज ने घोषणा की कि सातवें और आठवें मिशन इम्पॉसिबल फिल्मों को क्रिस्टोफर मैकवेरी के साथ बैक टू बैक शूट किया जाएगा और 23 जुलाई 2021 और 5 अगस्त 2022 को रिलीज होने वाली दोनों फिल्मों का लेखन और निर्देशन किया जाएगा 17 17-18 फरवरी 2021 में पैरामाउंट पिक्चर्स ने उस योजना को विफल कर दिया 19 फरवरी 2019 में रेबेका फर्ग्यूसन ने सातवीं किस्त के लिए अपनी वापसी की पुष्टि की बीस इक्कीस सितंबर में मैकक्वेरी ने घोषणा की कि हेले एटवेल कलाकारों में शामिल हो गई हैं 22 सितंबर 2019 में पोम क्लेमेंटीएफ सातवीं और आठवीं दोनों फिल्मों के कलाकारों में शामिल हो गए 10 दिसंबर 2019 में साइमन पेग ने फिल्म के लिए अपनी वापसी की पुष्टि की दोनों फिल्मों में शिया भिघम को कास्ट किया गया तेईस चौबीस जनवरी 2020 में निकोलस हाउल्ट हेनरी कज़नी के साथ एक भूमिका के लिए चुना गया जिसमें उन्नीस सौ की फिल्म के बाद पहली बार यूजीन किट्रिच की भूमिका दोहराई गई 25-26 क्रूज को ब्रैडली रूस्टर ब्रैडशॉ की भूमिका निभाने के लिए टॉप गन मेवरिक 2022 के लिए उनके ऑडिशन को काफी पसंद आया था जिसके कारण हाउल्ट को चुना गया जिससे उन्हें एक बेहद प्रतिभाशाली अभिनेता के रूप में पहचाना गया जो उस भूमिका को निभाने के लिए उपयुक्त नहीं था भले ही उस समय सातवीं मिशन इम्पॉसिबल फिल्म के लिए कोई ठोस कहानी नहीं थी सत्ताईस वैनेसा किर्बी ने यह भी घोषणा की कि वह दोनों फ़िल्मों के लिए वापसी कर रही हैं 28 मई 2020 में यह बताया गया कि शेड्यूलिंग संघर्ष के कारण एसआई मोरालेस दोनों फ़िल्मों में खलनायक के रूप में हाउट की जगह लेंगे 29 मैकवेरी द्वारा ओजार्क में कैमिनो डेल रियो की भूमिका देखने के कारण मोरालेस को गैब्रियल की भूमिका के लिए चुना गया था मोरालेस के साथ सीओवीआईडी 19 उन्नीस महामारी के कारण हुल्ट की पुनर्रचना के कारण कहानी में भारी बदलाव आया जैसा कि मोरालेस के रूप में चुने जाने के बाद मैकवेरी को एहसास हुआ कि क्रूज और मोरालेस की उम्र लगभग एक ही होने के कारण उनके पात्रों को एथन हंट के साथ जोड़ने के लिए कहा नी की कई संभावनाएं खुल गईं की बैकस्टोरी इसी तरह हाउल्ट के जाने के बाद फिल्म निर्माता दी एंटिटी की अवधारणा लेकर आए सत्ताईस एंजेला बैसेट ने घोषणा की कि वह दिसंबर 2020 में एरिका स्लोएन के रूप में वापस आएंगी लेकिन बाद में उन्हें कोविड 19 यात्रा प्रतिबंधों के कारण हटा दिया गया तीस इकतीस स्लोएन फिल्म में एक खुफिया ब्रीफिंग के दौरान डीएनआई डेंलिंगर के कार्यालय की दीवार पर एक तस्वीर में दिखाई देता है मार्च 2021 में मैक्वेरी ने खुलासा किया कि रॉब डेला ने चार्ल्स पार्नेल इंदिरा वर्मा मार्क गैटिस और कैरी एल्वेस कलाकारों में शामिल हो गए थे पंद्रह उसी दिन ग्रेग टार्जन डेविस के भी कलाकारों में शामिल होने की पुष्टि की गई तेरह मैकक्वेरी ने खुलासा किया कि फ्लैशबैक सेगमेंट के लिए उन्होंने उन्हें उन्नीस नवासी की सेटिंग को टोनी स्कॉट के मिशन इम्पॉसिबल के समान प्रतिबिंबित करने पर विचार किया जिसमें सभी अभिनेताओं की उम्र कम कर दी गई और जूलिया रॉबर्ट्स को गेब्रियल द्वारा हत्या की गई प्रेमिका के रूप में दिखाया गया हालांकि एक बार उन्हें यह पता चला कि प्रभाव कितने महंगे हो जाएंगे तो उन्होंने कदम पीछे खींच लिए साथ ही यह भी महसूस किया कि एक युवा क्रूज दर्शकों का ध्यान भटकाएगा बत्तीस फिल्मांकन और कोविड 19 शटडाउन कामकाजी शीर्षक लिब्रा के तहत 33 फिल्मांकन 20 फरवरी 2020 को वेनिस में शुरू होने वाला था जो मार्च के मध्य में 40 दिनों के लिए रोम जाने से पहले तीन सप्ताह तक चलने वाला था चौंतीस पैंतीस लेकिन इटली में कोविड 19 महामारी के कारण देश में उत्पादन रोक दिया गया था छत्तीस तीन सप्ताह बाद एक अंतराल से ठीक पहले इंग्लैंड के सरे में स्टंट रिहर्सल शुरू हुई सैतीस छह जुलाई 2020 को एक और अंतराल के बाद यूके पहुंचने वाले क्रू को अनिवार्य चौदह दिवसीय संगरोध से गुजरे बिना फिल्मांकन शुरू करने की अनुमति दी गई यह सेट हर्टफोर्ड शायर में वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो लीवसडेन में स्थित था अड़तीस अगले महीने नॉर्वे के मोरे ओग रॉमसडाल में फिल्मांकन की अनुमति दी गई उनतालीस उसी महीने ऑक्सफोर्ड शायर में एक मोटरसाइकिल स्टंट रिग में बड़ी आग लग गई इस दृश्य को तैयार करने में छह सप्ताह लगे थे और यह यूके में अब तक फिल्माए गए सबसे महंगे दृश्यों में से एक था इस घटना में किसी को चोट नहीं आई चालीस फिल्मांकन 6 सितंबर 2020 को शुरू हुआ इकतालीस जब मैकवेरी ने इंस्टाग्राम पर सेट से तस्वीरें प्रकाशित करना शुरू किया बयालीस फिल्म को सोनी सिनेल्टा वेनिस कैमरों से शूट किया गया था जिससे यह मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइज की डिजिटल रूप से शूट होने वाली पहली फिल्म बन गई सितंबर 2020 में नॉर्वे में स्ट्रैंडा और राउमा नगर पालिकाओं सहित फिल्मांकन हुआ जिसमें क्रूज को ट्रेन के ऊपर एसआई मोरालेस के साथ एक एक्शन दृश्य फिल्माते देखा गया तैतालीस छब्बीस अक्टूबर दो को सेट पर 12 लोगों के सीओवी 19 के लिए सकारा मक परीक्षण के बाद इटली में उत्पादन निलंबित कर दिया गया था एक सप्ताह बाद फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ दिसंबर 2020 में लंदन में फ़िल्मांकन के दौरान सेट पर कोविड 19 नियमों का पालन न करने के लिए क्रू के दो सदस्यों पर चिल्लाते हुए क्रूज की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑनलाइन जारी की गई थी परिणाम परिणामस्वरूप क्रूज की तुलना ट्रॉपिक थंडर 2008 के उनके चरित्रलेस ग्रॉसमैन से की गई पैंतालीस छियालीस आम जनता और कई मशहूर हस्तियों की प्रतिक्रिया सहायक थी जिससे पता चलता है कि विषम परिस्थितियों और उत्पादन को फिर से न रोका जाए यह सुनिश्चित करने के बोझ को देखते हुए उनके स्वर और गंभीरता की आवश्यकता थी सैंतालीस अड़तालीस अट्ठाईस दिसंबर 2020 को वैरायटी ने बताया कि फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी यूनाइटेड किंगडम के लॉन्ग क्रॉस फिल्म स्टूडियो में समाप्त हो जाएगी जिसमें वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो लीव्सडेन से प्रोडक्शन शिफ्ट किया जाएगा लॉन्गक्रॉस में जो दक्षिण पूर्व इंग्लैंड के सरे में है सख्त कोविड 19 प्रोटोकॉल के तहत उत्पादन जारी रखने की अनुमति दी गई थी उनचास फरवरी दो में मध्य पूर्व में फ़िल्मांकन संपन्न हुआ और चालक दल अंतिम कार्य के लिए लंदन लौट आएगा दोस्तों से मूवी के बारे में बात की जाए तो ये सुपरहिट मूवी है और इसकी रिलीजिंग डेट में आपको बताऊँ तो उन्नीस जून और साथ ही साथ 12 जुलाई को एक तरह से इसे रिलीज़ किया गया था रोमस में इसे एक तरह से उन्नीस जुलाई को और 12 एक तरह से जुलाई को इसे मुख्य रूप से एक तरह से यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ किया गया था मूवी की लेंथ की बात की जाए तो एक सौ चौसठ मिनट इसकी टोटल लेंथ थी और साथ ही साथ इसके बजट के बारे में बात की जाए तो लगभग दो सौ इक्यानवे मिलियन डॉलर इसका मुख्य रूप से ग्रोस बजट था और नेट बजट की बात की जाए तो दो सौ उन्नीस मिलियन डॉलर इसका नेट बजट था उसने जो कलेक्शन किया है वो तकरीबन एक तरह से जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है तकरीबन पाँच सौ पैंसठ डॉलर्स का इसने कलेक्शन किया है जो कि अपनी एक तरह से से बजट तकरीबन डबल है जो कि बहुत ही जबरदस्त है साथ ही साथ इसके जो सीन्स है वो भी बहुत ही दसुद है साथ ही साथ दोस्तों इसी के बारे में मैंने आपको सारे कुछ इन्फॉर्मेशन बता दिए हैं अब इसकी थोड़ी और इन्फॉर्मेशन है कास्टिंग के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ 20 अप्रैल 2021 को नॉर्थ यॉर्कशायर के छोटे से गांव लेविशम में नॉर्थ यॉर्कशायर मोर्स रेलवे में फिल्मांकन शुरू हुआ पचास ऑस्ट्रिया में आल्प्स में सेट एक अनुक्रम के लिए जिसमें एक ट्रेन साठ मील सत्तानवे किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी पर जा रही थी पुल को उड़ाया जा रहा है इक्यावन बावन मूक फिल्म द जनरल 1926 में क्लाइमेटिक ट्रेन दुर्घटना दृश्य के संदर्भ के रूप में उन्नीस तिरपन अगस्त 2021 में बर्मिंगहम में शहर के ग्रैंड सेंट्रल शॉपिंग सेंटर में फ़िल्मांकन शुरू हुआ जिसमें क्रूज और एटवेल को दर्शकों ने देखा चौवन सितंग बर 2021 में फिल्म के निर्देशक मार्टिन स्मिथ ने इंस्टाग्राम पर पुष्टि की कि मुख्य फोटोग्राफी आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गई है पचपन फ़िल्म के अन्य स्थानों में अबू धाबी, हवाई अड्डे पर अभी भी निर्माणाधीन एक टर्मिनल छप्पन और रोम के इतालवी शहरों 20 मिनट की लंबी कार पीछा सहित सत्तावन और वेनिस में विभिन्न स्थल शामिल हैं अठावन पैराशूट और स्पीड फ्लाइंग सीक्वेंस के लिए फ़िल्मांकन 2021 और 2022 की गर्मियों में बटरमेरे घाटी के ऊपर लेक डिस्ट्रिक्ट में हुआ हाई क्रैग और रॉबिन्सन के फॉल्स को स्पीड फ्लाइंग दृश्य की शूटिंग के लिए लॉन्चिंग पॉइंट के रूप में इस्तेमाल किया गया था जिसके पास लैंडिंग हुई थी पास की झील का किनारा उनसठ पोलिश पुल विवाद दक्षिणी पोलैंड में पिलचोविकी झील पर 1908 का रेलवे पुल मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट वन के लिए एक संभावित फ़िल्मांकन स्थान जो पूरे 2020 में अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में रहा 2019 के अंत में प्री प्रोडक्शन के दौरान स्विस सरकार ने आल्प्स में ट्रेन अनुक्रम के लिए किसी भी विस्फोट को अधिकृत करने से इनकार कर दिया साठ परिणामस्वरूप स्काइडास मीडिया प्रोडक्शन टीम ने एक अवांछित रेलवे पुल को खोजने के लिए विभिन्न देशों में स्थान तलाशना शुरू कर दिया बावन तिरपन जिन लोगों से पूर्ण पैमाने पर ट्रेन दुर्घटना के मंचन में मदद मांगी गई उनमें पोलिश अमेरिकी फ़िल्म निर्माता एंड्रयू एक्सनर भी शामिल थे उन्नीस नवंबर तिरपन में पोलिश राज्य रेलवे ने एक्सनर को पिल्चोविकी झील पर एक मीटर चार सौ बानवे फ़ीट लंबे 1908 जर्मन युग के रिवेटेड ट्रस ब्रिज का उपयोग करने का प्रस्ताव दिया पी आई एल एक्सवीआईटी पी एल तो जेलेनिया गोरा घाटी में लोअर सिलेसिया में इकसठ उन्नीस दिसंबर 2019 में मैक्वेरी सहित पैरामाउंट पिक्चर्स के निर्माता दक्षिणी पोलैंड में उतरे तिरसठ पोलिश इंजीनियरिंग सैनिकों के अधिकारियों द्वारा गहरी गोपनीयता के साथ इक्यावन मैकवेरी ने इंस्टाग्राम पर इस यात्रा का दस्तावेजीकरण किया 64 आधिकारिक तौर पर 1912 में विल्हेम द्वितीय द्वारा खोला गया प्रस्तावित पुल द्वितीय विश्व युद्ध में ज्यादातर बरकरार रहा पैंसठ और 2016 तक ट्रेनों द्वारा इसका उपयोग किया गया छियासठ सार्वजनिक रूप से पुल की अत्यंत मूल्यवान के रूप में प्रशंसा करने के बावजूद सड़सठ एक विशेषज्ञ ने निष्कर्षों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया एक कमीशन रिपोर्ट में अड़सठ की मरम्मत के बजाय पुल को ध्वस्त करना और एक नया निर्माण करना सबसे अच्छा होगा उनहत्तर उन्नीस सौ सत्तर मार्च 2020 में अस्वीकृत एक्सनर द्वारा सूचना फैलाने के बाद तिरपन स्थानीय यह अधिकारी और संग्रहालय अधिकारी सीजीआई प्रभावों का उपयोग करने के बजाय पुल को भौतिक रूप से नष्ट करने के निर्माताओं के इरादे से चकित थे इकसठ इकहत्तर फिल्म निर्माताओं और सरकारी अधिकारियों ने कहा कि पुल को ध्वस्त करने का इरादा था छियासठ जुलाई 2020 तक इतिहास और रेलवे के प्रति उत्साही वैज्ञानिकों और फिल्म निर्माताओं ने क्षेत्रीय स्मारक विरासत कार्यालय पोलिश संसद के सदस्यों छियासठ बहत्तर और औद्योगिक विरासत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय समिति के साथ विरोध किया तिहत्तर कार्यकर्ताओं और गैर सरकारी संगठनों ने विनाश के ख़िलाफ़ एक याचिका शुरू की चौहत्तर चूंकि यह लंबे समय से प्रांतीय रूप से पंजीकृत था और पोलैंड की सांस्कृतिक संपत्ति की राष्ट्रीय रजिस्ट्री में जोड़ा जा रहा था इकहत्तर पचहत्तर संस्कृति और राष्ट्रीय विरासत मंत्रालय ने पुष्टि की कि वह छोटे के साथ फिल्म में खेलने के लिए ब्रिज पर जोर दे रहा था संबंधित स्थानीय विरासत रेलवे लाइन को पूरी तरह से पुनर्जीवित करने से पहले खंड को ध्वस्त कर दिया जाएगा छिहत्तर प्रतिक्रिया के बाद बहत्तर सतहत्तर स्मारकों के जनरल संरक्षक ने आश्वासन दिया कि पुल को नष्ट करने का कोई सवाल ही नहीं है अठहत्तर अगस्त 2020 में जैसे ही कहानी अंतर्राष्ट्रीय हो गई उनासी अस्सी मैकवेरी ने कहा कि पुल को उड़ाने की कभी कोई योजना नहीं थी और केवल असुरक्षित और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हिस्सों को ही नष्ट किया जा सकता था जिसे कथित तौर पर पुनर्निर्माण की आवश्यकता थी निष्कर्ष निकाला क्षेत्र को पर्यटन के लिए खोलने के लिए पुल बनाने की आवश्यकता है इक्यासी बाद में उन्होंने कहा कि कोई अनादर का इरादा नहीं था बयासी उत्पादन कंपनी ने संभावित नए पुल की निर्माण लागत न ही ऐतिहासिक पुल के नवीनीकरण की लागत को कवर करने की प्रतिज्ञा नहीं की छियासठ आखिरकार लेक पिल्चोविकी पुल के लिए सांस्कृतिक संपत्ति पंजीकरण प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया गया जिससे प्रभावी रूप से इसे किसी भी क्षति से बचाया जा सका उन्नीस मई 2021 में एक्सनर ने अनुबंध के उल्लंघन के लिए मैकवेरी और क्रूज सहित पैरामाउंट प्रोडक्शन क्रू पर मुकदमा दायर किया चौरासी ट्रेन के मलबे के दृश्य का फिल्मांकन अप्रैल और जून 2021 के बीच स्टोनी मिडल्टन के पीक डिस्ट्रिक्ट नेशनल पार्क में एक अप्रयुक्त खदान में एक निर्मित सेट पर एक रेलवे लाइन और चट्टान के किनारे पर एक पुल के हिस्से के साथ होने की उम्मीद थी पचासी दो सप्ताह के निलंबित फिल्मांकन के बाद छियासी यह दृश्य बीस अगस्त को फिल्माया गया था जब एक मौका ब्रिटानिया क्लास लोकोमोटिव को चट्टान से खदान में धकेल दिया गया था सत्तासी अठासी पोस्ट प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक ने फिल्म के लिए दृश्य प्रभाव प्रदान करने के लिए वापसी की बेलोएफ एक्स ब्लाइंड लिमिटेड क्लियर एंगल के साथ पहली मिशन इम्पॉसिबल फिल्म उन्नीस मिशन इम्पॉसिबल थ्री 2006 और गोस्ट प्रोटोकॉल 2011 के लिए ऐसा किया स्टूडियोज और हैलोन एंटरटेनमेंट फिल्म के अतिरिक्त विक्रेता हैं नवासी नब्बे इक्यानवे मैकक्वेरी द्वारा आयोजित फिल्म की बात की टेस्ट स्क्रीनिंग में से एक में एडगर राइट ने उनसे एक विशिष्ट ऑडियो संकेत के बारे में पूछा जो मैकक्वेरी को स्पष्ट लगा लेकिन राइट के सवाल पर उन एहसास हुआ कि दर्शकों ने इस पर ध्यान नहीं दिया था जिसके कारण उन्हें और क्रूज को पूरी फिल्म बदलनी पड़ी बानवे संगीत मुख्य लेख मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट वन साउंड ट्रैक मई 2020 की शुरुआत में लोरने बाल्फ को सातवें और आठवें मिशन इम्पॉसिबल फिल्मों के लिए स्कोर बनाने के लिए लौटने की पुष्टि की गई थी इससे पहले मिशन इम्पॉसिबल फॉल आउट दो के लिए ऐसा करने के बाद तिरानवे टीजर ट्रेलर से बाल्फ का संगीत 23 जून 2022 को पैरामाउंट म्यूजिक के माध्यम से एकल के रूप में डिजिटल रूप से जारी किया गया था चौरानवे मार्केटिंग फ़िल्म का ट्रेलर विशेष रूप से 28 अप्रैल 2022 को सिनेमाकॉन में प्रदर्शित किया गया जिसमें क्रूज द्वारा बाइप्लेन में उड़ान भरते समय फिल्माया गया एक परिचय भी शामिल था पचानवे ट्रेलर 21 मई 2022 को सोशल मीडिया पर लीक हो गया था छियानवे और आधिकारिक तौर पर 23 मई 2022 को ऑनलाइन जारी किया गया था सत्तानवे सिनेमा कॉन परिचय आधिकारिक तौर पर 8 सितंबर 2022 को जारी किया गया था अट्ठानवे सैम बरसंती एवी क्लब ने ट्रेलर को सकारात्मक समीक्षा दी और इसमें कई एक्शन दृश्यों पर प्रकाश डाला निन्यानवे जोबलो कॉम ने भी ट्रेलर को सकारात्मक समीक्षा देते हुए कहा कि प्रदर्शन पर एक्शन वास्तव में अद्भुत है और मनोरंजन के प्रति क्रूज के समर्पण की प्रशंसा की एक सौ अवतार द वे ऑफ वाटर 2022 की आईमैक्स स्क्रीनिंग से पहले फिल्म का पर्दे के पीछे का दृश्य पेश किया गया 101, 102 पूर्ण पूर्वावलोकन चार दिन बाद 19 दिसंबर 2022 को ऑनलाइन जारी किया गया था 103 जापान में फ़िल्म ने स्पाई एक्स फ़ैमिली एनीमे फ़िल्म कोड वाइट के माध्यम से एनीमे और मंगा श्रृंखला स्पाई फ़ैमिली के साथ सहयोग किया परियोजनाओं ने एक पैरोडी पोस्टर का खुलासा किया जिसमें एनीमे श्रृंखला के मुख्य पात्र फिल्म कलाकारों की जगह लेते हैं और एक कोलैब हाइलाइट्स वीडियो भी जारी किया जिसे टाइटैनिक फोर्ज़र परिवार के आवाज़ अभिनेताओं द्वारा सुनाया गया है एक सौ चार एक सौ पांच एक सौ रिलीज़ फिल्म के सिडनी प्रीमियर में टॉम क्रूज मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट वन का विश्व प्रीमियर 19 जून 2023 को रोम में स्पेनिश स्टेप्स पर हुआ था और 12 जुलाई 107 को विशेष अर्ली एक्सेस फैन इवेंट के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था स्क्रीनिंग 10 जुलाई को आयोजित की गई 108 इसे आई मैक्स डॉल्बी सिनेमा चार डी एक्स स्क्रीन एक्स आर पी एक्स और अन्य प्रीमियम प्रारूपों में रिलीज किया गया था 109 इसे पहले 23 जुलाई 2021, 110 19 एक सौ दस उन्नीस नवम्बर दो हजार इक्कीस एक सौ ग्यारह सत्ताईस मई दो हजार बाईस एक सौ बारह और तीस सितंबर दो हजार बाईस 113 को रिलीज़ करने के लिए निर्धारित किया गया था लेकिन बाद में इसे 14 जुलाई तक विलंबित कर दिया गया कोविड 19 महामारी और उत्पादन बंद होने के कारण 114-115 अप्रैल 2023 में पैरामाउंट ने सिनेमाकॉन में घोषणा की कि फ़िल्म दो दिन पहले 12 जुलाई को रिलीज़ होगी 107 नवंबर 2021 और मई 2022 की रिलीज डेट टॉप गन मेवरिक 2022 को दी गई थी एक और क्रूज अभिनीत फिल्म में भी महामारी के कारण देरी हुई 111 112 इसका प्रीमियर 3 जुलाई 2023 को सिडनी में हुआ और पांच दिन बाद ऑस्ट्रेलिया में रिलीज हुआ 116 होम मीडिया मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट वन को 10 अक्टूबर 2023 को डिजिटल डाउनलोड के लिए जारी किया गया था जबकि अल्ट्रा एच डी ब्लूरे ब्लूरे और डीवीडी संस्करण 31 अक्टूबर 2023 को जारी किए गए थे 117 रिलीज में बिहाइंड द शामिल है दृश्य और संपादन फीचर हटाए गए दृश्य असेंबल और एक ऑडियो कमेंट्री 117 स्वागत बॉक्स ऑफिस 24 सितंबर 2023 तक मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट वन ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में एक दशमलव एक मिलियन डॉलर और अन्य क्षेत्रों में तीन दशमलव चार मिलियन डॉलर दुनिया भर में कुल पांच डॉलर पांच मिलियन की कमाई की है चार पांच वैरायटी ने बताया कि फ़िल्म के विशाल बजट को देखते हुए यह अपने नाटकीय प्रदर्शन में संभवतः लाभ नहीं कमा पाएगी 118 बाद में अनुमान लगाया गया कि अगर यह 600 मिलियन डॉलर से अधिक नहीं हुई तो स्टूडियो को लगभग 100 मिलियन डॉलर का नुकसान होगा दुनिया भर 119 फ़िल्म को बॉक्स ऑफ़िस पर निराशाजनक बताया गया एक सौ 121 पैरामाउंट को स्विस बीमाकर्ता चुप्से फिल्म से संबंधित कोविड 19 बीमा भुगतान में कुल सत्तावन पाउंड मिलियन प्राप्त हुए तीन एक संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में डेड रेकनिंग पार्ट वन के पहले पांच दिनों में चार हजार तीन सौ सत्ताईस थिएटरों से लगभग नब्बे मिलियन डॉलर की कमाई करने का अनुमान लगाया गया था साथ ही सत्तर अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों से 160 मिलियन डॉलर की कमाई करने का अनुमान लगाया गया था पाँच दिवसीय विश्वव्यापी शुरुआत के लिए यह लगभग 250 मिलियन डॉलर थी दो फिल्म ने अपने पहले दिन 15.5 मिलियन डॉलर कमाए मंगलवार की रात पूर्वावलोकन स्क्रीनिंग से 7 मिलियन डॉलर सहित और दूसरे दिन 8.3 मिलियन डॉलर कमाए एक सौ तेईस शुक्रवार को 16 डॉलर सात मिलियन कमाने के बाद सप्ताहांत और पांच दिवसीय अनुमान को घटाकर क्रमशः चौवन मिलियन डॉलर और अठहत्तर मिलियन डॉलर कर दिया गया एक सौ चौबीस फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में चौवन दशमलव सात मिलियन डॉलर की कमाई की और पहले पांच दिनों में कुल अठहत्तर दशमलव पांच मिलियन डॉलर की कमाई की जो कि 2000 में दूसरी फिल्म के अठहत्तर आठ मिलियन डॉलर के ठीक पीछे है एक सौ पच्चीस जबकि फिल्म इसके बाद उम्मीदों से कमतर हो गई उम्मीद से बहुत कम शुरुआती सप्ताहांत निकला एक सौ छब्बीस एक सौ सत्ताईस एक सौ अट्ठाईस डेडलाइन हॉलीवुड ने नोट किया कि इंडियाना जोन्स एंड द डायल ऑफ डेस्टिनी 2023 के विपरीत लगभग तीन घंटे की एक और फिल्म जिसकी लागत लगभग 300 मिलियन डॉलर थी और जिसने ओपनिंग की अपने पहले पांच दिनों में चौरासी मिलियन डॉलर तक डेड रेकनिंग पार्ट वन को बेहतर समीक्षक और दर्शकों के स्कोर से लाभ हुआ एक इसके बावजूद फिल्म अपने दूसरे सप्ताहांत में पैंसठ परसेंट गिरकर उन्नीस डॉलर चार मिलियन पर आ गई और नवागंतुक बारबी और ओपेनहाइमर और साउंड ऑफ फ़्रीडम से पीछे चौथे स्थान पर रही 130 131-131 कुछ आउटलेट्स ने कहा कि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की अप्रत्याशित गिरावट का कारण आईमैक्स स्क्रीन ओपेनहाइमर को सौंपना हो सकता है साथ ही साउंड ऑफ फ्रीडम के घरेलू स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने के बावजूद व्यवसाय का बारबेनहाइमर डबल हेडर घटना में जाना माना जा सकता है 132 इसने अपने तीसरे सप्ताहांत में 10.6 मिलियन डॉलर और चौथे में छे सात मिलियन डॉलर की कमाई की और क्रमशः पांचवें और सातवें स्थान पर रही एक सौ तैंतीस एक सौ चौंतीस आलोचनात्मक प्रतिक्रिया फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली इस समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 422 आलोचकों में से छियानवे परसेंट समीक्षाएं सकारात्मक हैं जिनकी औसत रेटिंग 8 बटा दस है वेबसाइट की सर्वसम्मति में लिखा है विश्व धमकाने वाले दाव और उस विशाल शीर्षक से मेल खाने वाले महाकाव्य से टुकड़ों के साथ मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट वन साबित करता है कि यह अभी भी एक फ्रेंचाइजी है जिसे आपको स्वीकार करना चुनना चाहिए एक सौ चवालीस मेटाक्रिटिक जो एक भारत औसत का उपयोग करता है ने छियासठ आलोचकों के आधार पर फिल्म को एक सौ में से इक्यासी का स्कोर दिया जो सार्वभौमिक पर प्रशंसा को दर्शाता है 145 सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वेक्षण में दर्शकों ने फिल्म को ए प्लस से एफ पैमाने पर एक औसत ग्रेड दिया जबकि पोस्ट ट्रैक ने बताया कि 90% परसेंट फिल्म दर्शकों ने इसे सकारात्मक स्कोर दिया 124 सौ द गार्जियन के लिए एक सकारात्मक समीक्षा में मार्क केरमोड ने फिल्म को पांच में से चार स्टार दिए फिल्म में उनके अभिनय के लिए क्रूज की सराहना की साथ ही फिल्म के ज्वाइन द डॉट्स प्लॉट और रोमांचक एक्शन के लिए भी फिल्म की प्रशंसा की 146 इसी तरह डेडलाइन हॉलीवुड के लिए टॉड मैककार थी और आईजीएन के लिए सिद्धांत अदलखा ने पाया कि फ़िल्म हॉलीवुड एक्शन फिल्म, फिल्म निर्माण अपने चरम पर है का प्रतिनिधित्व करती है और यदि प्रत्येक टेम्पोले फ्रेंचाइज़ प्रविष्टि इतनी मज़ेदार और बारीक होती तो नाटकीय बनाम्सट रीमिंग बहस होती तुरंत आराम कर दिया जाएगा छः एक सौ सैतालीस यूएसए टुडे के ब्रायन ट्रुइट ने एक्शन दृश्यों की सराहना करते हुए कहा यह एक आदमी बनाम मशीन महाकाव्य का पहला भाग है जो रोमांच विभाग में कोई कंजूसी नहीं करता है हालांकि इसके बारे में बहुत ज्यादा मत सोचो आप शायद अभी भी अपने लैपटॉप पर गंभीरता से नजर रखेंगे 148. लिटिल व्हाइट लाइज की मिश्रित समीक्षा में एडम बुडवर्ड ने फिल्म के सभी महत्वाकांक्षी कार्यों के बीच घटते रिटर्न पर टिप्पणी की एक वैरायटी के पीटर डेब्रूज की बेहद सकारात्मक समीक्षा के विपरीत 150. सौ पचास ओवेन ग्लीबरमैन ने पत्रिका के लिए फिल्म के बारे में एक कॉलम लिखा जिसमें कहा गया कि उनका मानना है कि क्रूज और मैक्वेरी को वापस जाना चाहिए जो दर्शकों को पसंद आया मताधिकार यदि वे इसे उच्च स्तर पर समाप्त करना चाहते हैं एक सौ इक्यावन प्रशंसा आइकन इस अनुभाग को विस्तार की आवश्यकता है आप इसे जोड़कर मदद कर सकते हैं जनवरी 2024 मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट वन को छठे हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन मिडसीजन फिल्म अवार्ड्स में सर्वाधिक प्रतीक्षित फिल्म के लिए नामांकित किया गया था एक संपादक एडी हैमिल्टन को 2023 हॉलीवुड प्रोफेशनल एसोसिएशन अवार्ड्स में उत्कृष्ट संपादन फीचर फिल्म के लिए नामांकन मिला एक सौ तिरपन फ़िल्म को सिनेमैटिक और बॉक्स ऑफिस अचीवमेंट के लिए नामांकित किया गया था जो कि इक्यासीवें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में शुरू हुई एक नई श्रेणी थी एक सौ चौवन एक सौ पचपन इसे अट्ठाईसवें सैटेलाइट अवार्ड्स में सिनेमैटोग्राफी और विजुअल इफ़ेक्ट्स श्रेणियों में और उनतीसवें क्रिटिक्स च्वाइस अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ विजुअल इफ़ेक्ट्स के लिए भी नामांकित किया गया है एक सौ छप्पन अड़तालीस वे सैटर्न अवार्ड्स में इसे सर्वश्रेष्ठ एक्शन या एडवेंचर फिल्म सर्वश्रेष्ठ लेखन सर्वश्रेष्ठ संपादन और सर्वश्रेष्ठ विशेष बटादृश्य प्रभावों के लिए नामांकित किया गए एक सौ सत्तावन एसआई मैनुअल मोरालेस जूनियर जन्म 1 अक्टूबर उन्नीस एक अमेरिकी अभिनेता हैं उन्होंने बैड बॉयज सीन पेन के साथ फिल्मों में उल्लेखनीय भूमिकाएं निभाई हैं ला बा लू डायमंड फिलिप्स के साथ उनकी टेलीविजन भूमिकाओं में पीबीएस 2002 नाटक श्रृंखला अमेरिकी परिवार शामिल हैं स्पैन जोसेफ अदामा बटासपैन दो में टाइटन सुपरहीरो सीरीज स्लेड विल्सन बटा डेथस्ट्रोक पर्यवेक्षक डीसी कॉमिक्स 2017 हजार सत्रह और ओजार्क मूल श्रृंखला नेटफ्लिक्स में दो शून्य शून्य नौ दो शून्य एक शून्य कैप्रिका श्रृंखला विज्ञान कथा दो शून्य शून्य एक दो शून्य शून्य चार एन ब्लू पर दो हजार दो सौ दो चित्रण लेफ्टिनेंट टोनी रोड्रिगज पुनरुत्थान ब्लवड श्रृंखला शो टाइम मोरालेस दो हजार तेईस की जासूसी एक्शन फिल्म मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट वन में मुख्य प्रतिपक्षी चरित्र गेब्रियल के रूप में दिखाई दिए विपरीत टॉम क्रूज एक भूमिका जिसे वह शीर्षकहीन आठवें मिशन इम्पॉसिबल में दोबारा निभाएंगे बटा स्पैन 2025 में फिल्म प्रारंभिक जीवन प्यूटोरिकन वंश के मोरालेस का जन्म ब्रुकलिन न्यूयॉर्क एसआई मोरालेस सीनियर एक वेल्डर और आयरिस मार्गारिटा नी डिकलेट जो से जुड़ी एक यूनियन कार्यकर्ता हैं अंतरराष्ट्रीय महिलाएं परिधान श्रमिक यूनियन तीन मोरालेस ने मैनहट्टन में चार करियर उनका पहला पेशेवर प्रदर्शन न्यूयॉर्क में थिएटर और टेलीविजन में था उनकी पहली प्रमुख फिल्म बैड बॉयस उन्नीस थी जो किशोर सुधार सुविधा में सजा पाने वाले प्रतिद्वंद्वी किशोरों के बारे में थी मोरालेस उन्नीस में टीवी श्रृंखला फेम के एक एपिसोड में दिखाई दिए उन्होंने उन्नीस सौ छियासी एनबीसी जॉन विंग्स में बर्ट लैंकेस्टर के साथ सह अभिनय किया। ईगल्स के ईरानी रशीद की भूमिका निभा रहे हैं जो कि रॉस पेरोट के बारे में एक सच्ची कहानी का नायक है मोरालेस मियामी वाइस द इक्वलाइजर और चौबीस उन्होंने वास्तविक जीवन के पूर्व अपराधी और 1950 के दशक के बाइकर सौतेले भाई बॉब मोरालेस की भूमिका निभाई रॉक एंड रोल गायक रिची वैलेंस, ला उन्नीस सौ में उन्होंने अल्ट्रावायलेट उन्नीस सौ बानवे में निकोलस वॉकर की भूमिका भी निभाई उनकी कुछ अन्य भूमिकाएं उनके सामाजिक राजनीतिक हितों को दर्शाती हैं जैसे उन्नीस सौ चौरानवे में द बर्निंग सीजन मेरा परिवार बटा एम आई फमिलिया उन्नीस सौ पंचानवे में गार्सिया लोरका का गायब होना उन्नीस सौ सत्तानवे और सदरन क्रॉस उन्नीस सौ निन्यानवे पांच बाद की तीन फिल्मों में साथ ही अन्य फिल्मों में जैसे ब्लड हाउंड्स ऑफ ब्रॉडवे उन्नीस नवासी और रापा नुई उन्नीस सौ चौरानवे पॉलीशोर फिल्म इन दी आर्मी नाउ छ वर्जिन ऑफ जुआरेज 2006, हजार छे. उन्नीस में एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई और डॉगवॉच उन्नीस सौ उन्होंने फिल्म 1990 के दशक में उन्होंने दी आउटर लिमिट्स तेल्स फ्रॉम द के एपिसोड में अतिथि भूमिका निभाई क्रिप्ट और दो अल्पकालिक श्रृंखलाएं एल ए डॉक्टर और भूख वह 2000 में फैमिली लॉ के दो भाग वाले एपिसोड में दिखाई दिए वह लंबे समय से चल रही श्रृंखला के मुख्य कलाकारों का हिस्सा थे ए आई ग्यारह एन वाई पी डी ब्लू दो से 2004 तक साढ़े तीन सीजन के लिए पन्द्रहवें परिक्षेत्र जासूसी दस्ते के प्रमुख के रूप में उन्होंने 2002 की फिल्म पेड इन फुल में लुलू नाम के एक ड्रग डीलर की भूमिका निभाई 2005 में वह वीडियो गेम ट्रू क्राइम न्यूयॉर्क सिटी में एक आवाज अभिनेता थे मोरालेस दाएं ग्रेस पार्क बाएं और एरिक स्टोल्स के साथ ए आई चार केंद्र मोरालेस को फिल्म अमेरिकन फ्यूजन 2005 हजार सात और उन्नीस जून दो हजार को वह फॉक्स श्रृंखला वैनिस्ट के कलाकारों में एफबीआई एजेंट माइकल टाइनर सीरीज एक सीजन तक चली आठ दो हजार सात में मोरालेस यूएसए नेटवर्क के एक एपिसोड में दिखाई दिए बटा स्पैन केल केल फास्टर फास्टर में दिखाई दिए बटा स्पैन जोएल रोज के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है जो फिल्म नॉयर एक के सभी सात एपिसोड में दिखाई दिए उसी वर्ष वह दूसरे सीजन में एक भूमिका निभाई थी मेजर एडवर्ड बेक के रूप में वह संक्षिप्त जेरिको नाटक सीबीएस एक क्यूबाई दुकानदार को के लिए परेशान किया जा रहा है सुरक्षा स्थानीय अपराधियों द्वारा पैसा 2008 की शुरुआत में मोरालेस ने बर्न नोटिस श्रृंखला नाटक मई 2008 में यह घोषणा की गई कि मोरालिस जोसेफ़ अदामा की भूमिका निभाएंगे विज्ञान गल्प टेलीविजन श्रृंखला कैप्रिका श्रृंखला का प्रीक्वल बैटल स्टार गैलेक्टिका 9 10 श्रृंखला हालांकि अत्यधिक प्रत्याशित थी 2010 में केवल एक सीजन के लिए चली 2009 में उन्होंने नूर ईरानी फिल्म फेस्टिवल लॉस एंजल्स में ग्यारह दो हजार ग्यारह में मोरालेस ने नाटक फिल्म गान हिल रोड बारह और वेब नाटक में लॉस अमेरिकन स्पिक डॉट टीवी पर प्रसारित तेरह और मोरालेस ने टोनी प्लानाइवोन डेलारोसा लुपे ओंटिवरोस और में एक इंटरनेट कार्यक्रम मई 2011 में लॉन्च किया गया लॉस अमेरिकियों जेसी गोंजालेज मार्च 2015 में रॉबर्ट रोड्रिज ने उन्हें हॉरर सीरीज के दूसरे सीजन के लिए लॉर्ड अमानसियो मालवाडो के रूप में कास्ट किया फ्रॉम डस्क टू डॉन द सीरीज चौदह जिसके बाद 2017 में मुख्य भूमिका निभाई गई नेटफ्लिक्स मूल श्रृंखला ओजार्क का पहला सीजन और फिर 2019 में डीसी यूनिवर्स सुपर हीरो सीरीज टाइटंस के दूसरे सीजन के लिए एक प्रतिपक्षी भूमिका जैसे स्लेड विल्सन बटा डेथस्ट्रो पंद्रह 21 मई 2020 को मोरालेस को आधिकारिक तौर पर मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट वन में गेब्रियल के रूप में अभिनय करने की पुष्टि की गई फिल्म उनतालीस का मुख्य खलनायक एक भूमिका जिसे वह दूसरे भाग सोलह पुरस्कार और सम्मान 2005 में मोरालेस मर्सिडीज रूहेल के साथ रीटा मोरेनो प्राप्त हुआ लैटिन अभिनेताओं के हिस्पैनिक संगठन होला की ओर से उत्कृष्टता के लिए होला पुरस्कार उद्धरण आवश्यक एक अभिनेता और रोल मॉडल के रूप में उनके प्रभाव के लिए उन्हें अर्पा फाउंडेशन फॉर फिल्म म्यूजिक एंड आर्ट से लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड मिला उद्धरण आवश्यक सक्रियता मोरालिस ने खुद को एक एक्टरविस्ट बताया है सत्रह मुख्य रूप से के संस्थापकों में से एक ए आई तीन नेशनल हिस्पैनिक फाउंडेशन फॉर द आर्ट्स अपनी मां से प्रेरणा लेते हुए जो इंटरनेशनल लेडीज की आयोजक थी परिधान श्रमिक यूनियन अठारह वह पर्यावरण संबंधी मुद्दों में भी रुचि रखते हैं और ई सी ओ के संस्थापक बोर्ड सदस्य थे पृथ्वी संचार कार्यालय उन्नीस फरवरी 28, 2007 में ऑल में ऑलस्टार बेनिफिट द गिफ्ट ऑफ पीस का वाचन बटा स्पैन 20 फीट के वार्षिक बजट के दो प्रतिशत विचलन द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा पेंटागन स्तर की स्थापना करने की मांग की गई थी शांति विभाग अमेरिकी सरकार में कैबिनेट 808 जिसमें एक संकल्पयु इसके पारित होने के लिए एक खुली अपील और धन संचय था सदन परिवार यह नाटक के फ्रायड प्ले हाउस में उन्होंने संघर्षरत यूसीएलए निजी जीवन मोरालेस एक शाकाहारी है 21 वह उनकी एक बेटी है जिसका जन्म 2010 में हुआ 22 मोरालेस पहला नाम अक्सर क्रॉसवर्ड पहेलियों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी दुर्लभ संरचना इसे क्रॉसवर्ड कंस्ट्रक्टर्स के लिए एक पुरस्कार बनाती है यह अंग्रेजी में चार अक्षरों का शब्द है पचहत्तर प्रतिशत स्वर प्रथम और अंतिम अक्षर सहित एक क्रॉसवर्ड क्लू वेबसाइट का अनुमान है कि उन्नीस सौ चौरानवे और 2016 के बीच ई लॉस एंजल्स टाइम्स द न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अमेरिकी पत्रों में क्रॉसवर्ड उत्तर के रूप में 100 से अधिक बार उपयोग किया गया था और वाशिंगटन पोस्ट तेईस फिल्मोग्राफी चाबी उन कार्यों को दर्शाता है जो अभी तक जारी नहीं किए गए हैं फिल्म वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणिया उन्नीस सौ बयासी चालीस ड्यूस मिशे उन्नीस सौ तिरासी बुरे लड़के पाको मोरेनो उन्नीस सौ छियासी बरसात के दिन दोस्तों निकोस वाल्डेज उन्नीस सौ सत्तासी रॉबर्टो बॉब मोरालेस प्रमुख रेमंड द उन्नीस सौ नवासी ब्रॉडवे के ब्लड हाउंड्स जैक हैंडसम जय जै। उन्नीस सौ नब्बे नग्न टैंगो जिको बोरेनस्टीन वीरांगना जैक अमान्य उन्नीस सौ बानवे पराबैंगनी निकोलस वॉकर फ्रीजैक्रिपर उन्नीस सौ तिरानवे वेटर जूलियस अंतरिक्ष में रहना और काम करना उल्टी गिनती शुरू हो गई है केनी डायरेक्ट टू वीडियो उन्नीस सौ चौरानवे रापा नुई बनाना ऐसा मत करो चार्ल्स सेना में अब सार्जेंट स्टर्न उन्नीस सौ पंचानवे मेरा परिवार चूचो उन्नीस सौ छियानवे लीवर सस्ते नहीं हैं कॉलिन ग्रेनेडा में मौत रिकार्डो वास्तविक चीज कॉलिन डॉगवॉच मुरो डायरेक्ट टू वीडियो बिच्छू वसंत एस्टर उन्नीस सौ सत्तानवे गार्सिया लोरका का गायब होना रिकार्डो नामांकित अल्मा पुरस्कार उन्नीस सौ अट्ठानवे अद्भुत आइसक्रीम सूट डोमिंग्स उन्नीस सौ निन्यानवे दक्षिणी क्रॉस फिलिप सोलानो दो हजार अमेरिकी वर्जिन जिम निर्देशक स्पिन साइकिल निकेन्स प्रलय का दिन आदमी माइक साथ ही दूसरी इकाई के निदेशक भी 2002 टॉम थंब और थंबेलिना के कारनामे वर्गास माउस आवाज डायरेक्ट टू वीडियो पूरा भुगतान किया लुलू 2005 एक बार एक शादी पर पिनेडा अमेरिकी संगलियन जोस वीसी फिल्म फेस्ट लॉस एंजल्स एशियन पैसिफिक फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार विजेता 2006 हजार छह की वर्जिन फादर हेरेरा फास्ट फूड नेशन टोनी क्वींस में डेट पर कैसे जाए फ्रेंकी 2008 मारो तेजी से मारो तेजी से मारो मारकी रेखा मुझे डर लग रहा है 2010 चेरी वेस एवेन्यू के राजा मलाई शहर एफबीआई टास्क फोर्स एजेंट मार्कस 2011 गन हिल रोड एनरिक फिल्म आउट सैन डिएगो यूएस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार विजेता 2012 हजार बारह एटलस श्रग्ड भाग टू एंकोनिया के फ्रांसिस सिएटल सुपरस्टॉर्म टॉम रेनॉल्ड्स 2013 बजाना प्यार के लिए सिद्धांत जोस मार्टिन 2014 हजार चौदह जारहेड दो आग का क्षेत्र कैप्टन जोन्स डायरेक्ट टू वीडियो 2015 हजार पंद्रह स्पेयर पार्ट्स श्री सेंटिल्लन नामांकित इमेजन फाउंडेशन पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता 2016 कभी पीछे न हटें कोई समर्पण नहीं ह्यूगो वेगा डायरेक्ट टू वीडियो 2018 बेहद शानदार ढंग से एडल्बर्टो गोंजालेज बंदी गवर्नर मंडेला 2019 मेक्सिको की दीवार हेनरी अरिस्टा 2021 वरिष्ठ क्षण डिएगो लोजाना 2022 प्रेम की कला प्रोफेसर बता लेखक मास्टर माली ऑस्कर नेरुदा 2023 मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट वन गेब्रियल 2025 शीर्षक रहित आठवीं मिशन असंभव फिल्म फिल्माने टीबीडी मैनहट्टन से लैटिन पापी डाक उत्पादन टेलीविजन वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणिया उन्नीस सौ चौरासी एबीसी आफ्टर स्कूल स्पेशल मिगुएल रेडोस एपिसोड द ग्रेट लव एक्सपेरिमेंट उन्नीस सौ पचासी तुल्यकारक अधिकारी मिगुएल कैंटेरा एपिसोड लेडी कॉ यश जॉर्ज एपिसोड सैवेज स्ट्रीट्स एक नौ आठ पांच एक नौ आठ सात मायामी वाइस पीट रोमानो बटा फिलिप क्रूज दो एपिसोड उन्नीस ईगल्स के पंखों पर राशिद टीवी लघु श्रृंखला उन्नीस सौ नवासी संधि क्षेत्र जेसी कार्डिफ एपिसोड ए गेम ऑफ पूल। एक नौ नौ एक एक नौ नौ दो द लेजेंड ऑफ प्रिंस वैलियंट एन बटा ए आवाज दो एपिसोड उन्नीस सौ बानवे बे सिटी स्टोरी जिम दुरन टीवी फिल्म उन्नीस सौ चौरानवे जलने का मौसम या टीवी फिल्म क्रिप्ट से कहानियापक एपिसोड रिश्वत उन्नीस सौ पंचानवे गतिरोध जोन चौदह से बच टोनी आर्चर टीवी फिल्म उन्नीस सौ छियानवे डाइंग टू बी परफेक्ट द एलेन हार्ट पेना स्टोरी फेडरिको पेना टीवी फिल्म उन्नीस सौ सत्तानवे बाहरी सीमाएं फ्रैंक केल्टन एपिसोड दिल की चाहत भूख टोनी एपिसोड मैं आज रात खतरनाक हूँ उन्नीस सौ अट्ठानवे सद्गुणों की पुस्तक से साहसिक कार्य गुएलेरमो आवास एपिसोड दान धोखे का चक्र जेफ सिल्वा टीवी फिल्म उन्नीस सौ निन्यानवे एल ए डॉक्टर विंस डुराल्डे एपिसोड जीवन जीने में खो गया परमाणु ट्रेन नॉरिस मैकेजी टीवी फिल्म 2000 संकट में एक परिवार एलियन गोंजालेस कहानी जुआन मिगुएल गोंजालेज टीवी फिल्म पारिवारिक कानून श्रीमान सैंटियागो प्रकरण झूठ बोलना निष्कर्ष दो शून्य 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 दो शून्य शून्य दो पुनरुत्थान बुलेवार्ड पाको कोरालिस सात एपिसोड दो शून्य शून्य एक दो शून्य शून्य चार एन नीला लेफ्टिनेंट टोनी रोड्रिग्ज श्रृंखला नियमित छियासठ एपिसोड टेलीविजन श्रृंखला अल्मा पुरस्कार विजेता में उत्कृष्ट अभिनेता 2002 अमेरिकी परिवार एस्टेबन गोंजालेस आठ एपिसोड नामांकित प्रिज्म पुरस्कार सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकित इमेजन फाउंडेशन पुरस्कार जॉर्ज लोपेज मैनी लोपेज एपिसोड आपके डैडी कौन हैं दो शून्य शून्य दो दो शून्य शून्य तीन डोरा एक्सप्लोरर पापी आवाज पांच एपिसोड 2004 हजार चार सटबरी एन बटा ए टीवी फिल्म 2005 हजार पांच बेरहम रिक बेंस बटा डेविड लोपेस टीवी फिल्म फ्रेडी कार्लोस एपिसोड फ्रेडी के पिता की प्रेमाला जोरो के मुखौटे के पीछे कथावाचक टीवी डॉक्यूमेंट्री सहनिर्माता दो हजार कंपनी टाउनरे डुपरे टीवी फिल्म गायब हो गई माइकल टाइनर 11 एपिसोड पढ़ाना अतिथि एक एपिसोड 2007 इलाज जॉर्ज टीवी फिल्म 24 दिन छे विवरण एजेंट जॉर्ज रामिरेस पांच एपिसोड नोटिस जला एरनी पासेओ एपिसोड टूटे हुए नियम 2008 हजार आठ जेरिको मेजर एडवर्ड बेक सात एपिसोड नामांकित अल्मा पुरस्कार 2009 से 2010 हजार दस जोसेफ एडम्स श्रृंखला नियमित 18 एपिसोड 2010 हजार दस सी एस आई मियामी स्टीफन मेडसेन एपिसोड सभी गिर गए 2011 हजार ग्यारह अमेरिकी लियंड्रोली वालेंजुएला 8 आठ एपिसोड निर्माता भी निष्पक्ष रूप से कानूनी जिला अटॉर्नी आरोन डेविडसन एपिसोड बोमी वंस सेटल सुपरस्टॉर्म टॉम टीवी फिल्म सत्रह परिसर लियाम बटरफील्ड टीवी फिल्म आपके पति हमारे पास हैं एडवार्डो वाल्से का टीवी फिल्म नामांकित छवि पुरस्कार 2012 कानून एवा एम्प आदेश विशेष पीड़ित इकाई जिमी वास्कविज एपिसोड घर पर आक्रमण घंटा अतिथि एक एपिसोड 2013 जादू का शहर कार्लोस दशार्क रूस सीजन दो छः एपिसोड 2013 प्रमुख अपराध डिप्टी डियास एपिसोड जेलबेट 2013 से 2015 हजार पंद्रह आपराधिक दिमाग चौबीस अनुभाग प्रमुख मार्टेोमैट क्रूज 6 एपिसोड 2013 शिक्षकों की मैनी टीवी फिल्म जादू का शहर कार्लोसद शार्क क्रूज 6 एपिसोड पोम एलेक्जेंड्रा क्लेमेंटीएफ फ्रेंच पी एम के एलई एम एफ, एक जन्म तीन मई उन्नीस सौ छियासी दो एम मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट वन पेरिस और छह पांच एमसीयू में खेलने के लिए मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को मैंटिस वह सबसे प्रसिद्ध हैं चार तीन एक फ्रांसीसी अभिनेत्री हैं प्रारंभिक जीवन क्लेमेंटिएफ का जन्म क्यूबेक सिटी में एक कोरियाई मां यूरी पार्क और रूसी फ्रेंच पिता एलेक्सिस क्लेमेंटिएफ के यहां हुआ था बटा स्पैन जो वहां फ्रांस सरकार के साथ वाणिज्य दूत के रूप में काम कर रहा था 8 जुलाई 2010 हजार दस ग्यारह उनके दादा रूसी चित्रकार यूजीन क्लेमेंटिफ उन्नीस सौ एक थे एक नौ आठ पांच बारह उसके माता पिता ने पोम नाम चुना क्योंकि यह दोनों वसंत के लिए कोरियाई शब्दों के उच्चारण के समान है और बाघ दस वह एक फ्रांसीसी नागरिक है और उसके पास कनाडाई नागरिकता नहीं है क्योंकि जस सोले राजनेकों के बच्चों पर लागू नहीं होता है ए आई तीन नौ अक्टूबर 2011 हज़ार ग्यारह क्लेमेंटिफ अपने परिवार से पहले एक वर्ष के लिए कनाडा में रहीं अपने पिता की नौकरी के कारण बड़े पैमाने पर यात्रा करना शुरू कर दिया तेरह फ्रांस में बसने से पहले वे जापान और आइवरी कोस्ट में रहते थे क्लेमेंटिएफ के पिता की कैंसर से मृत्यु हो गई जब वह पांच वर्ष की थी और उसकी माँ सिजोफ्रेनिया से पीड़ित थी और बच्चों की देखभाल करने में असमर्थ थी दस इसलिए क्लेमेंटिफ का पालन पोषण उसके चाचा और चाची ने किया ग्यारह उसके चाचा जिन्हें वह उसके दूसरे पिता की तरह बताती थी कि उसके अठारहवें जन्मदिन पर मृत्यु हो गई और उसके बड़े भाई नामों की सात साल बाद उसके पच्चीसवें जन्मदिन पर आत्महत्या करके मृत्यु हो गई दस चौदह क्लेमेंटिफ ने अपने चाचा की मृत्यु के बाद अपनी चाची को खुश करने के लिए कुछ समय के लिए सुनी तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बात करी मिशन इम्पॉसिबल सेवन के बारे में और हम सभी को पता है कि इस एक तरह से यूनिवर्स के अंदर छः मूवीज़ और सातवीं अभी हमें देखने को मिल रही है और आठवीं एक तरह से प्री प्रोडक्शन में कंटिन्यू चल रही है यानी कि वो भी कन्फर्म हमें देखने को मिलेगी पच्चीस या छब्बीस के अंदर कन्फर्म हमें देखने को मिलने वाली है बाकी आप में से कितने लोगों ने इस मूवी को देख लिया है कमेंट करके कर बता सकते हैं आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में